वेलकम दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे कि कंडेंसर अगर कोई है, कंडेंसर अगर किसी प्लांट का है, कंडेंसर टरबाइन का कंडेंसर है पावर प्लांट का, या और कोई कंडेंसेशन प्रोसेस है जिसका कंडेंसर है, तो उसका इफेक्टिवनेस कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, कंडेंसर का TTD, ये टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज इफेक्टिवनेस और टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस कंडेंसर का क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, जैसे मान लीजिए कोई टर्बाइन है, मैं टर्बाइन ही लगा रहा हूँ, एक टर्बाइन है ना, और इस टर्बाइन में एग्जॉस्ट में कंडेंसर लगा हुआ है ना, एग्जॉस्ट में कंडेंसर लगा हुआ है, एक कंडेंसर में कोई प्रेशर दिया हुआ है से 0.8973 केजी पर सीएम स्क्वायर एब्सोल्यूट में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं स्टीम टेबल से, जो कि आएगा 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और कंडेंसर में जो पानी जा रहा है और पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इन ऑफ कंडेंसर, टेम्परेचर आउट ऑफ कंडेंसर, ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रेशर हमको खाली दिया हुआ था और स्टीम टेबल से हमने ये वैल्यू निकाल ली, और टेम्परेचर कंडेंसर का पता है इनलेट और आउटलेट दोनों। तो इसमें एक चीज होती है दोस्तों, मैं चार चीज लिखवा रहा हूं। सबसे पहली चीज, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर क्या होगा दोस्तों, ये 30 है और ये जो ये है 43 है, इसका डिफरेंस होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस कूलिंग वाटर इनका टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर है ना, सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर कूलिंग वाटर इन। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर, सो दिस इज हाउ मच, 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कूलिंग वाटर इनका कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल, इट इज नॉट अचीवेबल, बट दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज, एक टर्मिनोलॉजी है। सेकेंड, एक्चुअल कितना हो रहा है, एक्चुअल कितना हो रहा है, एक्चुअल तो हो रहा है दोस्तों 39 माइनस 30, या ये बोल लोगे आप टेम्परेचर कूलिंग वाटर आउट माइनस टेम्परेचर कूलिंग वाटर इन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नंबर थर्ड ये हो गया, दो चीज होगी दोस्तों। अब उसके बाद ये दोनों चीजें जब हो गई, तो फिर अपन को कंडेंसर का जो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस है, पहले अपन टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस ना देख के सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इफेक्टिवनेस देखते हैं। ठीक है, कंडेंसर का जो इफेक्टिवनेस होता है ऑफ कंडेंसर क्या होता है दोस्तों, ये वाला मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल टेम्परेचर राइज, नो उल्टा, इसका उल्टा, सॉरी उल्टा, टेम्परेचर राइज एक्चुअल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज इनटू 100, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज दिस वन, टेम्परेचर राइज कितना हुआ 39 माइनस 30 अपॉन 43 माइनस 0.3 माइनस 30 है ना इनटू 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 67.7%। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, टेम्परेचर कूलिंग वाटर आउट माइनस टेम्परेचर कूलिंग वाटर इन डिवाइडेड बाय सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर कूलिंग वाटर इन
इंटू 100, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं दोस्तों तो भी हमको यही वैल्यू मिलती है। लेकिन मेरे को थोड़ा डिटेल में मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर राइज एक्चुअल कितना हुआ और मैक्सिमम पॉसिबल कितना था। मैक्सिमम पॉसिबल तो अपन अचीव नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल के कितने पास अपन जा रहे हैं, दैट गिव्स अस इफेक्टिवनेस ऑफ कंडेंसर, सो इट इज 67.7%। अब दोस्तों चौथी चीज आती है टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस। तो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल टेम्परेचर मतलब ये जो लास्ट टर्मिनल था जो टर्बाइन छोड़ रहा था, है ना, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस और कूलिंग वाटर आउट जो कंडेंसर से पानी बाहर जा रहा था, ये दोनों के बीच का डेल्टा। तो दिस इज इक्वल टू सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, सो दिस इज इक्वल टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 39 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दिस इज आवर TTD, सो दिस इज टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस। सो दोस्तों मैंने आज समझाने की कोशिश की व्हाट इज इफेक्टिवनेस ऑफ कंडेंसर एंड व्हाट इज टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कंडेंसर। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।